नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिव्यचोर उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने कमर कस ली है। सूबे की जनता को लुभाने के लिए अभी से ही तरह तरह के पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। जाने माने धार्मिक स्थलों के दर्शन किए जा रहे हैं। जहां शुक्रवार को एक तरफ सीएम योगी अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा में अपने 2 दिन के प्रवास के दौरान धर्म स्थलों पर पहुंचकर दर्शन पूजन करने में लगे हुए थे। लेकिन इस दौरान श्रद्धालुओं ने कुछ ऐसा किया कि अखिलेश यादव भी देखकर हैरान रह गए। दरअसल जब अखिलेश यादव बरसाना के राधा रानी मंदिर पहुंचे और यहां अखिलेश के पहुंचने से पहले मंदिर परिसर खाली कराया गया, तो ऐसे में मंदिर से बाहर खड़े श्रद्धालु आक्रोशित हो गए और अखिलेश यादव को देखते ही मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इस पर अखिलेश ने श्रद्धालुओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हालांकि इस दौरान उनके समर्थकों ने अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन मोदी मोदी के नारों की आवाज तेज होने के कारण अखिलेश जिंदाबाद के नारों की आवाज दब गई। पूर्व मुख्यमंत्री के जाने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। यहां से अखिलेश रसिक संत विनोद बाबा के आश्रम पहुंचे। शुक्रवार को अखिलेश यादव बरसाना के मंदिर पर करीब 350 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचे। यहां कई बार थकने पर वो सीढ़ियों पर रुके। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर मैंने राधा रानी मंदिर पहुंचने के लिए 2016 में रोपवे बनाने के प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन योगी सरकार अभी तक उसे पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि कोसी गोवर्धन वरसाना नंदगांव रोड को 4 लेन करने की योजना मेरी सरकार की है, लेकिन आज तक इस पर काम पूरा नहीं हो सका। सपा जिलाध्यक्ष लोकमणि जाधव की गिरफ्तारी पर कहा कि यह मुकदमा राजनीतिक कारण से लिखा गया है। तो इससे पहले अखिलेश यादव बृहस्पतिवार शाम यहां पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए कमर कस लेने को कहा। शहर के मसानी क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को जीत के कई गुर भी सिखाए। उन्होंने विपक्षी बीजेपी की चुनावी रणनीति के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी और बीजेपी की हर बात की कार्ड तैयार रखने को कहा। कह रहे तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी को टक्कर देने उनका कौन सा तीर काम आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।